एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम का रुख अलग ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। इस बारे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी कि 4 मार्च के बाद हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी में कमी आएगी, तो वहीं यूपी बिहार हरियाणा में आज ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। सबसे पहले बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में बीते दिन के लिए IMD ने कहा था कि बूंदाबांदी के आसार दिख रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री दर्ज किया गया। शहर में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 4 मिलीमीटर की बारिश भी दर्ज की गई। अब बारिश की संभावना नहीं है, इसकी वजह से धूप की तपिश बढ़ेगी और 2 दिन बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अब गर्मी के मौसम की तैयारियां लोगों को कर लेनी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का तापमान 13 से 16 डिग्री के बीच बने रहने की उम्मीद है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में आज से अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो वहीं 5 मार्च के बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की आशंका है। 6 मार्च को इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 4 मार्च यानी कि आज ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब राज्य में तेज बारिश का सिलसिला थम जाएगा। हालांकि आज यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, तो वहीं पूर्वी यूपी में कड़ी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है। देखा जाए तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उच्च हिमालय क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में ओले गिरने की संभावना है। साथ ही यूपी के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तूफान की भी भविष्यवाणी की है। बहरहाल ये मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में अपनों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।